नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका बहुत रॉयस अडमी में आज का डेट है 26 सिक्स ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंडली के करंफेयर्स के हमारे सोर्सेज डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज होने वाले हैं जिसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल से लगा दिया जाएगा चलिए सबसे सब यहां पर पहला न्यूज देख लेते हैं स्वदेश दर्शन 2.0 के रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिवैम्प किया है हमारे पुराना वाला स्कीम दैट इज पहले क्या था स्वदेश दर्शन स्कीम नॉर्मली बोलते थे बट अभी उसको उसका दूसरा वर्जन दैट इज स्वदेश दर्शन टू जिसका मेन एम यही है दैट टूरिस्टिक uh, डेस्टिनेशन को जो है ना उसको और भी बढ़ावा देना है हमारे स्वदेश हमारे देश में ही ऐसे बहुत सारे टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं जिसको अभी भी जिसका पोटेंशियल अनरियलाइज पोटेंशियल है तो उसको कैसे प्रमोट किया जा सके राइट इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ना स्वदेश दर्शन स्कीम ही नहीं बल्कि प्रसाद स्कीम के अंडर भी अल्टीमेटली दोनों स्कीम के अंडर है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरेटरीज को या फिर सेंट्रल एजेंसीज को जिससे उस रीजन का उस लोकेशन के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके नाउ इस स्कीम के अंडर द प्रोजेक्ट जो है ना इस स्कीम के अंडर दे आर सैंक्शन सब्जेक्टेड टू अवेबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब ऐसे नहीं थे हां भाई सब चीज को आप प्रमोशन करो आप टूरिज्म बनाओ एक क्या होता है ना Vability भी चीज होती है राइट फंड की अवेबिलिटी भी चीजें होती हैं तो ये सब सब कुछ देखा जाता है कंसीडर करके उसके बाद अल्टीमेटली इस स्कीम के अंडर प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है स्वदेश दर्शन की अगर बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2014-15 को जिसका मेन एम यही था दैट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स को प्रोमोट कैसे किया जाए हमारे देश में राइट और

क्योंकि हम लोग सर्विसेज बना के बेचेंगे लोगों को गुड्स बना के बेचेंगे लोगों को तो क्या हम बोल सकते हैं दैट अल्टीमेटली मेक इन इंडिया है ना आत्मनिर्भर भारत इन सब चीजों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एब्सोल्युटली राइट इसीलिए इस स्कीम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड करती है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी जिससे डिफरेंट जो टूरिस्टिक सर्किट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिससे वो पैसा खर्चा किया जा सके राइट एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम का वो है थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को प्रमोट करना ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हाई टूरिस्ट वैल्यू कॉम्पिटेटिवनेस सस्टेनेबिलिटी दैट टू इन एन इंटीग्रेटेड मैनर टूरिस्टिक सर्किट कौन कौन से है देखो वैसे तो पंद्रह थे you know, देखे गए हैं जिसमें बुद्धिस्ट सर्किट जो क्या वैसे वैसे, वैसे रीजन को कनेक्ट करेगा जो क्या बुद्धा के लाइफ के रिलेटेड है वैसे ही कोस्टल सर्किट कोस्टल रीजन को कनेक्ट करने के लिए डेजर्ट सर्किट डेजर्ट रीजन को कनेक्ट करने के लिए इको सर्किट है ना वैसे ही हेरिटेज सर्किट हिमालयन सर्किट कृष्णा सर्किट नॉर्थ ईस्ट सर्किट वाइल्ड लाइफ सर्किट ट्राइबल सर्किट तीर्थंकर सर्किट सूफी सर्किट स्पिरिचुअल सर्किट रूरल सर्किट रामायण सर्किट और देखो ये तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेप है बट वैसे ही पता है कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी आगे आ रहे हैं जैसे आपको अगर पता होना चाहिए एक दो महीना पहले हम लोगों ने इसी भद्रा एस के यूट्यूब चैनल में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट असम गवर्नमेंट भी जो कोशिश कर रही है ना दैट वेरियस सर्किट बेस्ड टूरिस्टिक चीजों को प्रोमोट uh, श्रीमद शंकर देव जी के लाइफ uh, के रिलेटेड जो जो रीजन uh, है उनको प्रमोट करने की बात की जा रही थी ठीक है तो वैसे रीजनल लेवल में भी चीजें चल जरूर रही है ठीक है चलो नेक्स्ट प्रसाद स्कीम के बारे में क्योंकि यहां पे न्यूज में था ही ना तो इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं देखो प्रसाद का फुल फॉर्म पहले देख लो ये एक नेशनल मिशन है फॉर पिलग्रिमेज रिजूविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव ठीक है एंड इट स्टैंड फॉर प्रसाद है ना जिसको लॉन्च किया गया बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन दर ट्वेंटी फोर्टीन फिफ्टीन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हैलिस्टिकली तो डेवलप किया जा सके पिलग्रमेज डेस्टिनेशन को इनफैक्ट प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया अंडर द स्कीम शैल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू आइडेंटिफाइड एजेंसी बाई रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट जिसका मेन एम क्या है अफकोर्स Uh, जो इंपॉर्टेंट नेशनल या फिर ग्लोबल पिलग्रिमेज या फिर हेरिटेज साइट है उनको फोकस करना और उनको रिज्यट करना स्पिरिचुअल ऑगमेंट करना जिससे लोगों का जो फुटफॉल हो सके उन रीजन में ज्यादा बढ़ सके लोगों का अगर फुटफॉल बढ़ेगा तो क्या हम बोल सकते हैं टूरिज्म बढ़ेगा एपसल्यूटली तो क्या हम बोल सकते हैं दैट वहां के लोग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा एप्सल्यूटली भाई यही सबको तो चीजों का आपको रिलेट करके खुद ऑब्जर्व करना है है ना चलो नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज था रिगार्डिंग ज्वाइंट थिएटर कमांड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये अनाउंस किया था वो सेटअप करेंगे uh, जॉइंट से थिएटर तो ऑफकोर्स नेवी है राइट right? उसके बाद आपका जाकर एयरफोर्स uh, है आर्मी है, है ना? अब सोचो कल को कहीं किसी दुश्मन देश से झगड़ा हो गया राइट right? तो उस समय सिंक्रनाइजेशन चाहिए ना हमें काम करने के लिए है ना और अलग अलग डिवीजन हमें देखना देखो सिंक्रनाइजेशन के लिए भी अलग ये है प्रोविजंस बट अलग अलग अभी इस ज्वाइंट थिएटर कमांड से ना चार थिएटर कमांड को जिसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड ये वाला नॉर्दर्न थिएटर कमांड ये वाला है ना साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड ये वाला रीजन और साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड ये वाला रीजन है ना ये चार थिएटर कमांड्स को बनाए जा रहे हैं और ये एक इंटीग्रेटेड और ज्वाइंट थिएटर कमांड होने वाला है जो क्या यूनिफाइड कमांड करेगा थ्री सर्विसेज को राइट फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल ने देख ही लिया ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा ये दूसरा वाला ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला राइट right? और कमांडर जो है ना इस टाइप के फोर्सेज में वो हर एक जो आर्मी हमारी डिविजन है जिसमें आर्मी आती है एयर इंडियन एयरफोर्स आती है नेवी आती है तो इनके कमांड मतलब वो एक रीजन का कमांडर फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड के जो कमांडर होने वाले हैं उनके पास ये तीनों के एक्सेस रहेंगे जिससे कल को अगर कुछ भी इधर से कोई अटैक हो गया तो उसको आराम से यह मैनेज कर सके राइट right? नाउ जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है इट विल नॉट बी आंसरेबल टू द इंडिविजुअल सर्विसेज राइट एंड इससे पहले क्या होता था ना पहले जो है यू नो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती थी बट अभी जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होंगी एंड दिस सर्विस विल गेट टू नो वन एंड अदर बेटर जिससे क्वेश्चन स्ट्रेंदन होगा और साकेतर कमेटी को गठन किया गया था बहुत दिन पहले जिन्होंने रिकमेंड किया था देखो भाई इंटीग्रेटेड कमांड की तो जरूरत है बट हमें तीन इंटीग्रेटेड कमांड की जरूरत है एक को तो चाइना के बॉर्डर को संभालने के लिए एक को हमारे वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर को संभालने के लिए और एक को हमारा सदर्न जो ओवरऑल uh, पेनिसुला है उसके रीजन में मैनिटाइम रोल के लिए बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किया था बट अभी चार को मनाया जाएगा ऐसा फ्यूचर में देखिए हो सकता है एनी नेक्स्ट जो है ना दोस्तों ये न्यूज आई यू सी एन दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनके वेबसाइट से लिया गया क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है मोनार्च बटरफ्लाइज इस वाले बटरफ्लाई बहुत समय अपने टीवी या फिर यू नो एड कमर्शियल एड्स में देखा होगा इस बटरफ्लाई को राइट right. अच्छा अब ये बटरफ्लाई का हैबिटेट बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए इसीलिए आईयूसीएन दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस मोनार्ज बटरफ्लाई को इंडेंजर घोषित कर दिया गया है ये मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई है सब कोई पूरा दुनिया इसको जानती है है ना बहुत खूबसूरत ऑफकोर्स दिखती है इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट पोलिनेटर भी है जो क्या फ्री का इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है पोलीनेटर्स क्या करते हैं पोलन ग्रेन्स को एक फूल से लेकर दूसरे रीजन ट्रांसफर करते हैं है ना वही ये बटरफ्लाई भी करती है और अल्टीमेटली जो हमारी जो फूड वेब है ना उसको कहीं ना कहीं ये इंडैक्ट रखती है इन बटरफ्लाईज का जो लिविंग स्टाइल है लाइफ स्टाइल है काफी ज्यादा यूनिक है ये पूरा अमेरिकन कंटिनेंट के लेंथ एंड ब्रेथ में ये बेसिकली यू नो फ्लाई करती रहती है ट्वाइस ईयर है ना और ऑफ कोर्स यू नो प्रॉपर इकोसिस्टम सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करवाती है नेक्स्ट बायो इकोनॉमी के बारे में न्यूज में है पीआईबी से ये न्यूज लिया गया है बिराक दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक ने रिलीज किया है इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट दैट इज आई बी आर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ना वो भी ये जो टर्म है ना बायो इकोनॉमी भी अगर हम लोग बायोलॉजिकल रिसोर्स का प्रॉपरली प्रोडक्शन उसका यूटिलाइजेशन और कंजर्वेशन कर रहे हैं जिस एम के साथ टू मूव टूवर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमी देन वी कॉल इट बायो इकोनॉमी जिसका मेन एम क्या है द अल्टीमेट एम जो है वो है प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को एवॉयड करना ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को और साथ ही साथ जिससे इन्हास हो सके हमारा बायोडावर्सिटी जिसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए जैसे बायो प्लास्टिक बायोफ्यूल्स बायो डिग्रेडेबल्स राइट बायोग्रेबल क्लोथिंग इनफैक्ट बायोमास नेचुरल फार्मिंग आर द ऑफ इट इस रिपोर्ट में कुछ कुछ फाइंड आउट किया गया दैट इंडिया का अगर बायो इकोनॉमी का जो अगर साइज देख लीजिए वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एटी बिलियन डॉलर है जो क्या आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है इनफैक्ट In इंडिया ने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स भी लिया है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जैसे नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी दो में लिया गया था नेशनल बायो फार्मा मिशन जिसमें इंडस्ट्री अकेडमिया जो है एक साथ आ जाती है बायो फार्मा के मैन्युफैक्चर के लिए बायो इंक्यूबेटर्स बायो क्लस्टर्स इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स तो ये सब कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ना देखो बायो इकोनॉमी को हमें समझना पड़ेगा राइट right? बायो इकोनॉमी जो है पार्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी राइट तो ग्रीन इकोनॉमी हम एक सेट बोल सकते हैं जिसमें बायो इकोनॉमी बायोबेस्ड इकोनॉमी और सर्क्यूलर इकोनॉमी ना बायो इकोनॉमी मतलब बायोमास के प्रोडक्शन के थ्रू अल्टीमेटली जो इकोनॉमी को हम लोग प्रोमोट करते हैं दैट इज बायो इकोनॉमी बट इसके अंडर बायो इकोनॉमी के अंडर भी एक सबसेट आता है दट इज बायो बेस्ड इकोनॉमी राइट देखो ये इसका सबसेट है और ये दोनों को जब हम लोग रिसाइकिल करते हैं ना देन वो हो गया सर्कुलर इकोनॉमी इनफैक्ट रिसाइकिल में तो कोई भी चीज को अगर आप रिसाइकिल कर रहे हो है ना देन दैट काउंट्स अंडर द सर्कुलर इकोनॉमी और ये सब बायो इकोनॉमी बायो बेस्ड इकोनॉमी या फिर सर्कुलर इकनॉमी दीज आर द थिंग विच कम्स अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगर क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप अपने क्वेरीज रेस कर सकते हैं विल श्योरली बी वॉचिंग दैट एनी नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है कोस्टल इरोजन के रिलेटेड है क्यों भाई क्यों न्यूज में था ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने देखा है दैट मतलब फाइंड आउट किया दैट थर्टी फोर परसेंट जो है ना इंडियन के कोस्ट लाइन का वो अंडर इरोजन है जिसमें वेस्ट बंगाल का जो जो सफर कर रही है वो वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोस्टल इरोजन सफ़र कर रही है है ना इनफैक्ट सिक्सटी पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है ना दैट इज थ्रेटेन बाई इरोजन ऐसा बोला जा रहा है इनफैक्ट डेफिनेशन अगर देखे कोस्टल इरोजन का तो क्या है ये एक प्रोसेस है जिसके तहत

एट्रिशन में ये अगर बात करें तो दो पत्थर अगर आपस में टकरा रहे हैं तो वो भी तो टूट जाता है ना है ना तो दैट रिजल्ट इन एट्रिशन राइट तो इस टाइप के अगेन एक एक चीज है चीजों को यहां पे ए टू जेड सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता अदरवाइज इट वुड टेक अनदर हाफ एन आवर क्लास राइट सो एनी अगर इफ यू फील एट ऑल एनी शो ऑफ इश्यूज अगर आपको लग रहा है दैट ये प्रिपरेशन करने में थोड़ी भी आपको मेहनत हो रही है कभी भी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए आर विल एप्सल्यूटली बी हेल्पिंग यू अप राइट िल श्योरली बी सॉल्विंग यू द क्वेरीज एनी वेज एजेंसी अगर देख लीजिएगा वो है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है जो क्या मॉनिटर करती है सोर लाइन को सिंस 1990 से ही ये मॉनिटर कर रही है इसके इंपैक्ट की अगर बात करें तो देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट वो तो है ही बट देर इज लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड लॉस ऑफ टूरिज्म सो दीज आर द सेक्टर्स जहां पर बहुत ज्यादा लॉसेस हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी कुछ कुछ दी गई थी इसमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज सो लेट्स टॉक अबाउट दम एज वेल कोस्टल सॉइल इरोजन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात बनाई जा रही है दैट क्यों ना हम इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाया जा सके जिससे शॉर्ट टर्म में इरोजन को रिड्यूस किया जा सके इनफैक्ट इनकवाइस दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज उन्होंने प्रिपेयर और पब्लिश किया था एक एटलस और वो एटलस था ऑन कोस्टल वलनेडेबिलिटी इंडेक्स मैप फॉर एंटायर कोस्ट लाइन इनफैक्ट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान भी सेटअप की गई है जो क्या इंश्योर करती है ऑप्टिमम सुटेबल यूज ऑफ कोस्टल नेचुरल रिसोर्सेज नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की बारे में बात की गई है जो क्या रिसर्च करेगी द एरियाज ऑफ कोस्टल जोन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कोस्टल रिसोर्सेज एज वेल एज द इनवायरमेंट असिस्टेड देयर नेक्स्ट इंडियन कोस्ट ऑफ जस्टिस जो है उनका जजमेंट आया है रिगार्डिंग जेनोसाइड इन म्यांमार देखो आपको पता है दैट दुनिया भर में आउटरीच है है ना दैट रोहिंग्यास को जैसे भगाया गया है म्यांमार से बांग्लादेश में ठीक है तो इसीलिए गैम्बिया नाम की कंट्री जो है उन्होंने आ, फाइल किया था एक केस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना जिसमें एलिक किया गया था दैट दा, म्यांमार ने ब्रीच किया है जेनोसाइड कन्वेंशन को तो इसी जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसको एग्जामिटर्निटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी के इंटरनेशनल रिलेशन इस टॉपिक से हम आराम से रिलेट कर सकते हैं कन्वेंशन ये जो कन्वेंशन है ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट है ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो क्या कोडिफाई करती है फॉर द फर्स्ट टाइम द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस जेनोसाइड कन्वेंशन बोला जाता है जेनोसाइट जो है ना ये क्राइम है दैट कैन टेक प्लेस बोध वॉर के समय में भी हो सकता है या फिर पीस के समय में भी हो सकता है अब देखो म्यांमार में जो हुआ क्या वो पीस का क्या वो वॉर का समय था नहीं राइट दैट इंटरनल जनरल असेंबली में और ये साइन किया गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा जिसमें कमिटमेंट ये किया गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये फिर से कभी भी नहीं होगा जेनोसाइड इनफैक्ट डेफिनेशन जो है ना ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एज सेट आउट इन द कन्वेंशन इसको वाइडली अडॉप्ट किया गया था नेशनल लेवल में भी एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में भी इंक्लूडिंग द 1998 का रोम स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जहां पर रोम स्टैचू में स्टेब्लिश किया गया था चार कोर इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड्स दैट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जेनोसाइड तो है ही वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन ठीक है तो देख रहे हो रोम स्टैच्यू में यह बेसिकली माना गया था दैट चार जो कोर इंटरनेशनल क्राइम्स हैं वो ये ये है दैट इज एक तो जेनोसाइड एक है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक है वॉर क्राइम्स और एक है क्राइम ऑफ एग्रेशन इंपॉर्टेंटली कन्वेंशन स्टेब्लिश करता है ऑन स्टेट पार्टीज द ऑब्लीगेशन टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एंड पनिश द क्राइम ऑफ जेनोसाइड इंक्लूडिंग

छह प्रिंसिपल ऑर्गेन्स में यह वाला आईसीजे एकमात्र ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो क्या आउट ऑफ यू नो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेटअप है मतलब बाकी जो पांच प्रिंसिपल ऑर्गेंस है ना वो न्यूयॉर्क में उनका हेडक्वार्टर है बट ये वाला जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यह नीदरलैंड हेग में सेटल्ड है ठीक है जो क्या सेटल करती है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स और देती है एडवाइजरी ओपिनियंस इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ

अंटार्क्टिका जो ट्रीटी है ना ये साइन किया गया था 1956 में और इंप्लीमेंट किया गया था 1961 में जिसके तहत मैंडेटरीली बोला गया था दैट जो 54 के 54 जो सिग्नेचरी कंट्रीज है ना उनको कानून बनाना पड़ेगा जिससे इस टेरिटरी को गवर्न किया जा सके इनफैक्ट इंडिया ने 1983 में वैसे ही इस ट्रीटी को साइन किया गया है इंडिया के द्वारा है देयर एक कानून तो चाहिए था ना जिससे प्रिस्टीन जो अंटार्क्टिक इन्वायरमेंट है उसको सेव किया जा सके है ना इसीलिए बहुत सारे ऐसे अंटार्क्टिक ट्रीटी के मेन मेन कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे यहाँ पे कोई अपना मिलिट्री यूज नहीं करेगा फ्रीडम रहेगा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हर एक कंट्री क्योंकि ये ग्लोबल कॉमन है सबको यहाँ पे आ सकता है किसी का ये यू you नो know, अपना कोई इसको इस वो नहीं बोल सकता अकल को आ गया चाइना दैट हाँ नहीं भाई ये तो हमारा ऐसा नहीं बोला जा सकता देर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डेटाज एनी टेरिटोरियल क्लेम्स शुड बी पुट ऑन होल्ड न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए ये हर एक ट्रीटी नेशंस को इंश्योर करना चाहिए दैट कोई भी कैरी आउट ना करे कोई भी ऐसा एक्ट जो क्या ट्रीटी के अगेंस्ट में हो ट्रीटी मे बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम रिक्वायर्ड यूनानिमस एग्रीमेंट ऑफ द ट्रिटी नेशंस मतलब जिन जिन नेशंस ने इस ट्रिटी को साइन किया है अगर ट्रीटी में कुछ अगर चेंजेस लाना पड़े तो फ्यूचर में लाया भी जा सकता है बट वो यूनानिमस डिसीजन होगा सबको साथ National laws should apply to the citizen, not to the areas. All stations open up to inspections for by other nations, and it is applied to the land, but not the seas. मतलब इस land में तो apply होगा, but seas में नहीं apply होगा, लेकिन ये treaty ये बिल्कुल ध्यान में रखेगा, ठीक है? इस bill के features जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, तो एक-एक करके देख लीजिए. देखिए ये जो bill होगा ना, अल्टीमेटली ये जितने सारे हैं ना मिलिट्री यूज नहीं होगा यहाँ पे कोई एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा यही सब है यही सब मेन पॉइंट है बट सवाल होता है इस पर एप्लीकेबल किस पर होगा देखो ये कोई भी पर्सन जो कि फॉरेनर हो कॉरपोरेशंस हो या फिर फर्म हो या फिर वेसल हो या फिर एयरक्राफ्ट हो विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका अब ऐसा नहीं चाइना से एक्सपीडिशन गया वो लोग कुछ हरकत कर रहे हैं तो हम लोग उसको सजा नहीं देंगे वो चाइनीज गवर्नमेंट देगी राइट सेंट्रल कमेटी दस मेंबर्स के होंगे है ना जिसको नॉमिनेट किया जाएगा बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज दो एक्सपर्ट्स होंगे और एक चेयरमैन होगा जो क्या देगा परमिट इंश्योर करेगा कंप्लायंस और रिव्यू करेगा इंफॉर्मेशन्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टीज टू द ट्रीटीज प्राइवेट टूर्स एंड एक्सपेडिशंस कैरी आउट किए जाएंगे टू अंटार्क्टिका एंड इट वुड बी प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमिट और रिटन ऑथोराइजेशन बाय मेंबर कंट्री परमिट ग्रांट किया जा सकता है ओनली आफ्टर इन्वयरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हैव बिन प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल ऑफेंस और पेनल्टीज की अगर बात करें कैसे कैसे है भाई तो देखो आ, पहली बात तो क्या क्या ऑफेंस है क्या क्या पेनल्टीज है अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंटार्टिका में कैरी आउट करते हो तो आपको 20 साल की सजा दे दिया जा सकता है या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है 50 करोड़ तक का अगर आप मिनरल को ड्रिल कर रहे हो या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हो कोई भी नॉन नेटिव एनिमल जो क्या वहाँ का नेटिव नहीं है या फिर प्लांट नॉन नेटिव प्लांट जो क्या इन्वेजिव स्पीशीज हो सकता है राइट right? तो वो भी पनिशेबल है जी हाँ दोस्तों सात साल का सजा आपको इम्प्रजनमेंट मिल सकता है एंड फाइन भी हो सकता है दस लाख से पचास लाख तक का नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई वन और मोर सेशंस कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक या फिर ज्यादा सेशन कोर्ट को ये नोटिफाई कर सकता है जिससे दैट उनका टेरिटोरियल जुरुडिक्शन में अगर किसी ने हरकत किया है तो उसको पनिश कौन करेगा तो ऑफकोर्स सरकार मोदी जी तो खुद तो नहीं आएंगे ना पनिश करने कोई कोर्ट ही करेगी ना तो वो जो है नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है दैट कौन एक सेशन कोर्ट करेगा एक से ज्यादा सेशन कोर्ट करेगा समय के साथ साथ ठीक है अंटार्क्टिक फंड के बारे में भी इसमें बात की गई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ अंटार्टिक रिसर्च वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्टिक इन्वायरमेंट इनफैक्ट स्टैब्लिश किया जाएगा एक कमिटी ऑन अंटार्किक गवर्नेंस एंड एनवामेंटल प्रोटेक्शन अंटार्क्टिक ट्रिटी के बारे में अगर बात करें तो अंटार्टिका ऑल ऑफ द लैंड एंड आई शेल्स जो क्या सिक्सटी डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे है दे आर अंटार्क्टिका अंटार्टिका में आती है वो अंटार्टिका ट्रिटी ये एक ओनली एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल ट्रिटी जो क्या गवर्न करती है होल कॉन्टिनेंट को जिसके सिग्नेचरीज कौन कौन है अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम चिले फ्रांस जापान न्यूजीलैंड नॉर्वे साउथ अफ्रीका यूनियन ऑफ आई मीन लाइक रशिया राइट यू और यू एस ए करेंटली फिफ्टी फोर मेम्बर्स कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी है और इसका हेडक्वार्टर जो है ना दोस्तों ये याद रख लीजिएगा ब्यूनस एरिस इन अर्जेंटीना ठीक है इंडिया की अगर बात करें तो रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर एक एजेंसी सेटअप की गई है दैट इज नेशनल सेंटर फॉर अंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च याद रहेगा जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1998 में इंडिया के वेरियस अंटार्क्टिक प्रोग्राम्स के बारे में अगर बात करें तो एक तो है दक्षिण गंगोत्री जिसको पहला इंडियन साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन सेटअप किया गया था है ना अभी ये सप्लाई बेस के तरह काम करती है वैसे मैत्री जिसको फिनिश किया गया था नाइनटीन में इट इज सिचुएटेड ऑफ कोर्स ये वाला याद नहीं रखना है इतना टफ चलिए एक बार देख लीजिए यू नेवर नो अगर पूछ लिया गया तो है ना कभी ऐसा होता है ना दैट वे पी सोचती है तो चलो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं राइट तो अगर पूछ ले दैट बताइए भाई मैत्री आ, का जो ये लाइक स्टेशन है वो अंटार्क्टिका के किस रीजन में सिचुएटेड है तो उसके लिए एक बार देख लीजिएगा ज़रूर है ना भारती 2012 में एक रिसर्च फैसिलिटी सेटअप की गई थी सागर निधि 2008 को ये पहली इंडियन वेसल थी जो कि जिन्होंने नेविगेट किया था अंटार्क्टिका के वाटर्स को अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ कुछ एमसीक्यूज में पहले तो कल के एमसीक्यूज देख लेते हैं उसके बाद आज के एमसीक्यूज देखेंगे क्यों कल के एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन था मिस्ड सबमरीन केबल सिस्टम रिसेंटली न्यूज में था ये किन कंट्रीज को कनेक्ट नहीं करती है तो आंसर था वियतनाम क्योंकि इंडिया म्यांमार थाईलैंड को तो बिल्कुल कनेक्ट करती है सिंगापुर को भी कनेक्ट करती थी ये क्लियरली really, हम लोगों ने देखा था ना मलेशिया को भी कनेक्ट कर रही थी ये है, है ना बट वियतनाम तो था ही नहीं नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको बोला गया था गोल्ड जेली आई मार्क और इलेक्ट्रिक अप्लायसेज बी आई मार्क तो देखो उल्टा हो गया है गोल्ड ज्वेलरी बी आई एस हॉल होता है और इलेक्ट्रिक uh, जो है ये आई मार्क होता है ठीक है तो अकन कोई इसमें सही नहीं है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था ठीक है नेक्स्ट रिसेंटली ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च टू रेज अवेयरनेस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग जेनरिक ड्रग्स गंगा वाटर अलॉन्ग गंगा वैली स्ट्रिच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर बायोडीजल जी हां इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा तो है डी जिसमें हसल बसल मोप्रान अभिजनी पार्थ डी डी सी ब्रेस डिफूजा वाओ युवराज अमित गार्गी प्रज्ञा ज्योति तन्मय ज्योतिर्मोय लभिता शर्मा सुजीत अब्दुल जिंटू आकाश कृष्णमोनी ध्रुव ज्योति चलो सबको ही सही लिखा है वेरी गुड आज का क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आपको यह मेहनत अच्छी लग रही है ना देन डू हिट द लाइक बटन मैं बार बार बताता हूं सबसे पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली वन लोकेटेड नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क ट्रस्टीशिप काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए गए सबसे पहला इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज प्रिपेयर एन एटलेस ऑफ कोस्टल वनबिलिटी इंडेक्स मैप फॉर द इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया और दूसरा स्टेटमेंट है अमंग इंडियन स्टेट्स वेस्ट बंगाल हैज द वर्स्ट ऑफ द कोस्टल रोजन मैच सॉरी नॉट द मैच ऑफ द फॉलोइंग माफ करना करेक्ट चूज द करेक्ट है ना चूज द करेक्ट आंसर वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉट टू नीचे This is all about the discussion for today's class. We'll be meeting you in next session. Till then, bye-bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.